सामनिक्रम आज शाम होने वाले पाकिस्तान भारत टाकरे से पहले भारत के सहाफी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मिलते दिखाई देते हैं और फिर अपनी कौम को वो रिपोर्टें पेश करते हैं कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था, प्रैक्टिस सेशन में किस तरह लंबी लंबी हिट्स मार रहे थे, उनके बॉलर्स का पेस कैसा है वगैरह वगैरह। गुज़श्ता रोज विक्रांत गुप्ता जो कि भारत के एक जाने माने सहाफी हैं, वो पाकिस्तानी प्रैक्टिस सेशन में पहुंचे और वहां उन्होंने बड़े करीब से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की प्रैक्टिस का बगौर मुआयना किया और फिर एक ऐसी तहलका रिपोर्ट पेश की जो आगे चलकर आपको हम दिखाने वाले हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी उन्होंने फखर जमान को करार दिया और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पर काफी बातें भी की। पाकिस्तान की बॉलर्स में क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, शाहिनशाह अफरीदी और मोहम्मद वसीम जूनियर के मैच न खेलने के क्या असरात मुरतब होंगे, वो सारी बातें उन्होंने अपने मीडिया पर अपने खिलाड़ियों और अपनी आवाम को एक मुफस्सल रिपोर्ट बनाकर पेश की। आइए आपको वही सब कुछ सुनाते हैं विक्रांत गुप्ता ही की जुबानी। मेरे लिहाज से अगर कोई डेंजरस बैट्समैन है पाकिस्तान में, वो है फखर जमान। वो तीन नंबर आएंगे। अब फखर जमान का स्टार्ट कैसा होता है उस पर डिपेंड करता है। लेफ्ट हैंडर है बाय द वे। आजम को यार कल बड़े करीब से हमने देखा, बाबर मतलब को देखकर एक चीज तो लगी कि अभी वो जानते हैं कि मैं उस रास्ते पर चल रहा हूँ जहाँ आगे चल के मैं दुनिया का नंबर एक बैट्समैन बन सकता हूँ। बट सादगी दिखी मुझे बहुत बाबर में। कल मैंने आपको बताया था कि रोहित शर्मा आपके बाकी खिलाड़ी वेरी रिलैक्स्ड होना भी चाहिए। आज ब्रेकफास्ट पे भी ज़्यादातर खिलाड़ी रिलैक्स थे। विराट अपना थोड़ी देर पहले यहाँ पर भी जा रहे थे, मैंने देखा उनको। तो अब सवाल यह है कि बिग मैच है, इंडिया पाकिस्तान कभी भी हो वो बिग मैच होगा ही होगा। बस दी ओनली थिंग इज़ कि हिंदुस्तान के लिहाज से पिछले साल क्योंकि वर्ल्ड कप में भारत हारा था उनसे, तो ये ग्रज मैच हो ही जाता है। उससे पहले तो इंडिया का हुआ था उन पर, लेकिन पिछला मैच वो जीते हैं। और जैसे मैंने कहा, भारत की टीम जो दिखी है वो थोड़ी रिलैक्स दिखी है कल प्रैक्टिस में भी, विच मीन्स कि वो दबाव वो नहीं लेके आए हैं जो पिछले साल वर्ल्ड कप में था। जब आप कहते हैं थोड़ी रिलैक्स दिखी है, लोग इसको गलत भी समझते हैं। ओ यार आराम से, ढीले ना, ढीले नहीं, आप पे प्रेशर होगा ही होगा, लेकिन इतना नहीं है, हड़बड़ी नहीं हो रही ना, तो आप रिलैक्स्ड कहते हो उसको, विच मीन्स कि आप यूर इन अ गुड जोन। पाकिस्तान रिलैक्स दिखा है। मैंने बाबर की बात की आपको कल, बाबर रिजवान इन्होंने पिछले साल तो 10 विकेट से मैच जीत गए थे, लेकिन वो उनके बॉलर्स ने मैच जिता दिया था। मेरे लिहाज से अगर कोई डेंजरस बैट्समैन है पाकिस्तान में, वो है फखर जमान। वो तीन नंबर आएंगे। अब फखर जमान का स्टार्ट कैसा होता है उस पर डिपेंड करता है। लेफ्ट हैंडर है बाय द वे, सो वो उनके पास एबिलिटी है। उसके बाद थोड़ा सा उनका मिडिल ऑर्डर कमजोर है। हैदर, खुशदिल और आसिफ। आसिफ आपको याद होगा दो मैचों में उन्होंने वर्ल्ड कप में छक्के बड़े लंबे लंबे मारे थे, बट अगेन उसके बाद उसके पहले उनका रिकॉर्ड भी देखना होगा और ये भी देखना होगा कि जब आप छक्के मारते हैं क्या आपके पास दूसरी गेम है, अगर आपकी जल्दी विकेटें गिर जाती है कि आप गेम को चला सकते हैं। शादाब है, शादाब ऑलराउंडर भी हैं। उसके बाद क्योंकि शाहिनशाह अफरीदी नहीं है और अब मोहम्मद वसीम जूनियर भी बाहर हो गए, यानी कि उनकी फर्स्ट चॉइस दो फास्ट बॉलर्स तो बाहर हो गए हैं। तो मुझे लगता है हैरिस रॉफ गुड बॉलर, स्किडी बॉलर, तेज डालते हैं। नसीम शाह भी तेज डालते हैं। और तीसरा, अब हसन अली को आप लेकर आए हैं, उनसे जाएंगे कि चलो यार वो पहले खेले हैं, या फिर आप कहेंगे हसनैन को डाल दें। हसनैन तेज डालते हैं और उसके बाद नवाज उनके लेफ्ट हैंड स्पिनर हो गए। हसनैन नसीम शाह क्योंकि वो तजुर्बा मैटर करता है। अगर इस विकेट पे अगर स्विंग नहीं है, जो कि मुझे मुश्किल लगता है इस मौसम में, तो भाई जितना आप तेज डालोगे ना उतनी पिटाई भी होती है। आप क्या लेंथ पे बॉल डालते हो, आपको अगर स्विंग चाहिए आपको थोड़ा आगे फेंकना पड़ेगा, और अगर बॉल नहीं हिलता है और आप आगे फेंकते हो तो फिर आपके पास इंडिया के पास 1-2-3 ऐसे हैं जो ओवर द टॉप मार सकते हैं, फिर आगे वाला बॉल वो छोड़ेंगे नहीं। तो फिर उसके बाद आमतौर पर T20 में क्या होता है कि आप थोड़ा लेंथ खींच लेते हैं, थोड़ा थ्री क्वार्टर के पास चले जाते हैं रन रोकने के लिए, और फिर आप ये कोशिश करते हैं कि भाई मैं विकेट लेने नहीं जा रहा हूँ, पर अगर बैट्समैन थोड़ा फंस जाता है वो विकेट अपनी फेंक सकता है। T20 में अब वही है, मौजूदा जमाने में रन रोकने हैं तो आपको आउट करना होगा। तूफान से पहले की थोड़ी सी खामोशी है, ठंडी थोड़ी कहूंगा, लेकिन हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं दुबई में। बिल्कुल तूफान भी आने वाला है, शुगर है, थोड़ी सी हवा चली है, राहत आई है, और राहत लेकिन कल आएगी जब भारत मैच जीतेगा ना, तब राहत आएगी, क्योंकि वो 10 महीने पहले जो हुआ ना, अभी भी थोड़ी सी खलबली सी बची हुई है दिल में ना, बड़ा मुझे मतलब मैं ट्विटर खोलता तो सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाता था कि वॉकओवर चाहिए, वॉकओवर चाहिए, जो कि मेरी और शोएब की बैंटर था उसका बहुत बड़ा खलारा डाल दिया। बट एनीवेज पाकिस्तान प्लेड वेल, बट आई होप कि जो कल का नज़ारा हो कुछ अलग हो। मैंने तो भाई 10 महीने से बोलना ही बंद कर दिया इस तरह से। नहीं देखिए, प्रेडिक्शन तो नहीं करनी चाहिए, ये मैंने वो हमने सीखा है बिल्कुल, बट आई होप जो सीख के हम बात कर रहे हैं इंडिया की टीम ने भी सीखा हो, बिकॉज टीम बुरी नहीं थी इंडिया की, आई थिंक पाकिस्तान से भारी ही थी, बट उस दिन या आप स्टिफ थे या पाकिस्तान अच्छा खेल गया, कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग भी हो गया। हाँ वो तो है ही, देखिए शुरुआत अच्छी हुई, वो दो गेंदें जो पूरे वर्ल्ड कप शायद मुझे लगता है कि बेस्ट बॉलें होंगी, जिसमें वो स्पेशली केएल राहुल वाली बॉल जो पड़ने के बाद बहुत तगड़ी तरीके से बॉल को अंदर की तरफ आया, और जिस लिहाज से वो बॉल कटा
अनबिलीवेबल। तो केएल शायद कोई भी बड़ा बैट्समैन आउट हो जाता, पर वहीं से टोन जो है ना वो सेट हो गई। वो जो पहले 6 ओवर की बात मैं करता हूँ हमेशा नए गेंद का महत्व, वो पाकिस्तान ने उसका भरपूर एडवांटेज उठाया, खत्म कर दिया बिल्कुल। अच्छा, इस मैच में हालांकि अगेन हम आमने सामने रखे तो बहुत ज्यादा होती है, हर फैन को अपनी अपनी टीम से, यहाँ पे थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस भी आए तो उसके ऑप्शन ही हुई है। इंडिया की बैटिंग पे आपको कुछ दबाव दिखता है, कुछ स्ट्रेन दिखता है? देखिए, एक ही चीज़ है कि ज़्यादा क्रिकेट खेल के नहीं आए ऊपर के तीन, मैं अगर उनकी बात करूँ, केएल इंजर्ड थे, अभी जिम्बाब्वे गए थे बतौर कप्तान, वहाँ रन बने नहीं उनके, रोहित ऑन एंड ऑफ क्रिकेट खेले हैं, लंबे रन नहीं बने, विराट कोहली ब्रेक के बाद आ रहे हैं, सो लेट्स सी हाउ दे रिस्पॉन्ड। आई नो कि वो हंगर जो है, वो डेडिकेशन जो है, वो अंदर से आ जाती है जब आप इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, पर कभी कभार वो ओवर एक्साइटमेंट भी ना वो खराब कर जाती है। तो कल का जो गेम है वो थोड़ा संभल के पहले 6 ओवर खेलने होंगे और ऊपर के तीन का खेलना जरूरी, तीन में से दो का चलना जरूरी। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हालांकि भारत के मतलब आप नाम के हिसाब से देखें कोई फर्क नहीं आया, वही बैट्समैन जो पिछली बार दोनों मैचों में हारे थे वही बैट्समैन खेल रहे हैं, लेकिन जैसे आप भी जानते हैं हम भी जानते देख रहे हैं, आपका 4-5-6 मच बेटर, वही नाम लेकिन मच बेटर, ऋषभ पंत का डिबेट जरूर होता है लेकिन उन्होंने हालिया अच्छी 2-3 पारियां खेली हैं, सूर्य कुमार यादव ने भाई 10 महीने में क्या तरक्की किया, हार्दिक पांड्या इस बैक टू बीइंग हार्दिक पांड्या, आपकी बड़ी आज बात हुई है उनसे? हाँ बिल्कुल, हार्दिक पांड्या देखिए उनका कद बड़ा है, वैसे बतौर कप्तान वो अभी एक IPL जीत चुके हैं और उनका बैटिंग के साथ साथ जो बॉलिंग उन्होंने साथ में करी है जिनके ऊपर बड़े सवाल उठे थे वो वर्ल्ड कप के बाद की इनकी अब जगह नहीं बनेगी अगर ये बॉलिंग नहीं करेंगे, तो उन्होंने वो दिखाया कि वो बॉलिंग भी करेंगे और बैटिंग पहले से भी बेटर करेंगे। तो हार्दिक पांड्या जो आज बातें भी हुई वो यही हुई कि हाउ ही इज ग्रोन अप यू नो एज ए प्लेयर, कि कहाँ से शुरू हुआ था, मुंबई इंडियन हमारे सामने सामने की बातें हैं और आज ये एक फ्यूचर कप्तान भी नजर आता है क्योंकि बहुत शांत स्वभाव से कप्तानी करते हैं जब मैदान पर रहते हैं, गेम को अच्छा समझते हैं, बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी टीम को लीड किया, टीम को आगे लेके गए और क्रेडिट टू हिम, आई थिंक ही इज बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ इंडिया और इस लाइनअप में अगर उनको हम नहीं देखते हैं किसी भी वजह से, अगर इंजरी होती है तो थोड़ा सा वहाँ पे गैप नज़र आता है विनेंद्र सिंह साहब पे, वो कौन है फिनिशर अगर हार्दिक पांड्या नहीं है, तो हार्दिक पांड्या इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। कोई एक फैक्टर आप अगर कल चुने, एक फैक्टर जो आपको लगता है कि मोस्ट डिसाइसिव फैक्टर हो सकता है इस मैच में, वो क्या हो सकता है? आई थिंक सबसे ज़्यादा जिसकी मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंस होगी वो मैच की, क्योंकि ये विकेटें ऐसी हैं, ये कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे बॉल थोड़ा शायद हो सकता है रिवर्स भी चले, अगर रिवर्स चलेगा तो जो आपके 15 ओवर से लेके 20 ओवर में जो आप स्लॉग करते हो या फ्री हिट लगाते हो, तो वहाँ पे बल्लेबाजी जो अगर हार्दिक पांड्या का बल्ला चलता है तो वो डिसाइसिव हो सकता है, वो डिसाइड कर सकता है मैच में जीत और हार के अंदर। तो आई थिंक हार्दिक पांड्या फॉर मी विल बी द प्लेयर टू वॉच आउट।